अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा आदाब नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ 7 न्यूज चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। पहले तो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं पब्लिक को कि सदर मोहतरम अलाज बैरिस्टर सदर अवैसी साहब के यहाँ के कैंडिडेट मोहम्मद मोटा गोपाल साहब की तायद के लिए हमारे बोले हैं। हम जान तोड़कर उनकी मेहनत करेंगे और अच्छा काम करके उनको भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे। और मेन चीज़ होलकपुर के जो डेवलपमेंट चीज़ें हैं, अब तक 12 वाटर लाइन है, 8 करोड़ 20 लाख का सेवरेज लाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह भोलकपुर के अब तक 10 करोड़ की रोडों का रोड डाल दी गए हैं। हम इलेक्शन से कोर्ट आने से पहले हमारे MLA गोपाल साहब यहाँ के भोलकपुर कारपोरेटर MIM कारपोरेटर इन दोनों ने तो अपने जद्दोजहद करके 7 करोड़ रुपए का काम इंशाल्लाह वो इफ्तिता हो चुका है। और वो जैसे ही इलेक्शन कोर्ट ख़त्म होगा वो काम भी भोलकपुर में हो जाएगा। और मेन चीज़ क्या है, ये ऐसी शख्सियत है साहब, इतना दिल चाह से जिस तरह हमारे 9 कैंडिडेट हैं MIM के, इस तरह गोपाल अन्ना को भी इसी तरह चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी शख्सियत है। जब कभी भी कुछ दौर कुछ भी हुआ, कोई हादिसा हुआ, एक छोटी मोटी अगर कोई बर्थडे पार्टी कर रहा तो बच्चा जमात का बुला रहा था वो शख्स आगे डरते हैं। क्योंकि मैं कईयों पार्टियों में था, मैं जब उनसे 40 साल गुजार चुका हूँ, मगर ऐसा MLA कभी दिखा नहीं। मैं अगर बड़े से बड़ा आदमी अगर बुलाया तो भी MLA कोई नहीं आते, मगर गोपाल अन्ना और ये जयसीमा अन्ना, उनके बेटे जयसीमा हैं, बहुत अच्छे कारकर्दगी है और दोनों जद्दोजहद करके इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। और एक चीज़ ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि लॉकडाउन के टाउन पे हमारे पास इतना ऑक्सीजन का ज़रूरत थी, हमारे बड़ी मस्जिद के हमारे नौजवान बच्चे, अरिन मर्चेंट के नौजवान बच्चे, हमारे MIM के पार्टी के नौजवान बच्चे पूरे मिलकर वो उसको कवर करें। 350 हम गैस सिलेंडर हम जो पब्लिक को ज़रूरत थी दिए हैं, उस दौरान हमारे मोटा गोपाल साहब भी हमारा साथ दिए हैं, हर चीज़ साथ दिए हैं। और लॉकडाउन के टाइम पे हमारे स्किन मर्चेंट पे इतना बड़ा ये हुआ कि स्किन मर्चेंट फिर वक्त तो रेट कम है, उनके पास जमा करके ख़रीदने के बाद भी उनका सड़ना शुरू हो गया। मैं अपने सदर मोहतरम बालाज बैरिस्टर साहब से बात करने के बाद, फिर मोटा गोपाल से बात करने के बाद, हम लोग कारपोरेटर मोटा गोपाल साहब हम कमिश्नर ऑफिस गए, जाकर परमिशन लिए। परमिशन लेने के बाद आज लाखों रुपए का नुकसान से बच गए। ये मोटा गोपाल साहब का नगा काम है ये, और कोई पार्टी नहीं है। इससे पहले ये कैंडिडेट आके ठहरा है, मगर 2 साल उसको MP बनाए, भोलकपुर में कुछ डेवलपमेंट काम नहीं हुआ और पब्लिक उसको चाहती भी नहीं। जब 2009 में बच्चों का एक हादिसा हुआ तो यही बड़ी मस्जिद जो स्पॉट में ठहरा हूँ वही स्पॉट पर, यही बड़ी मस्जिद मैं जो स्पॉट पर ठहरा हूँ वो स्पॉट पर कुछ MP को, अब जो MLA का टिकट लेकर ठहरा है उसको चिक्कन से इस्तकबाल किया गया है। ऐसी शख्स को अब फोलकपुर में वोट नहीं देने चाहते हैं, अब सिर्फ TRS का काम करेंगे। और हर चीज़ हर एक आदमी से हम फर्द जाके मिल रहे हैं, हर कोई हमें वही तवक्को दे रहा है कि हम TRS को काम करेंगे, और TRS को काम करके हम भारी अक्सर से हम उनको मुंतखब करेंगे। और हमारे भाई साहब भी हैं तकरीबन हमारे पूरे एरिया के पूरे इतने नौजवान बच्चे हैं, ये जो रैली है हमारे पास कोई पैसा दे के बुलाने वाली नहीं है, क्योंकि आओ भाई 500 ले और 600 रुपये हमारे पास नहीं है, बगैर पैसे के चाहत में आए हैं। मेरे MIM के भी कारकुन है इसमें, बड़े सदर मोहतरमा नबीर है, तुम्हारे TRS के भी हैं, हम सब एक ऐसी जंजीर बन चुके हैं। ये जंजीर को तोड़ना, या कांग्रेस हो या BJP हो और XYZ कोई पार्टी हो, नहीं तोड़ सकती है। इंशाल्लाह हम भारी मेजॉरिटी से उनको जीत कर लेंगे। इससे पहले हमारे गोपाल अन्ना साहब 36,000 आउट से जीते, इंशाल्लाह 50,000 से हम विन करके बताएंगे। थैंक यू।